अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनके फीचर्स को जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे उनका। तो आपके लेफ्ट साइड पर आपके पास आते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और राइट साइड पर हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो पहला फीचर जो हमारे पास आता है वो है पेटल्स का। पेटल्स के बारे में देखें तो फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट की मदद से पोलिनेट होते हैं, उनकी पेटल्स हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होती हैं। जितने कलर ब्राइट होंगे उतना ही वो ज़्यादा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो इंसेक्ट्स इन ब्राइटली कलर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फिर पोलिनेशन जो है वो इजी हो जाती है। इसके ऑपोजिट फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल एंड डल कलर्ड विदाउट पेटल्स। जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनको तो इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उनके अंदर जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं वो डल कलर्ड होती हैं, स्मॉल होती हैं, और इसके अलावा जो है पेटल्स अक्सर जो है वो होती नहीं हैं। तो ये जो है वो इनकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, पहली जो फीचर है पेटल्स के बारे में। सेकंड है नेक्टर। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं डेफिनेटली उनमें नेक्टर प्रेजेंट होगा। जो इंसेक्ट है ये नेक्टर कलेक्ट करने आता है और पोलिनेशन जो है वो उसका जरिया बनता है, और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर कोई नेक्टर प्रेजेंट नहीं है। सेंट की अगर हम देखें खुशबू, तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनकी खुशबू होती है स्वीट स्मेलिंग, ठीक है, स्वीट खुशबू उनकी प्रेजेंट होती है, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ने इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना तो इनकी कोई सेंट प्रेजेंट नहीं होती। स्टिग्मास के बारे में अगर हम देखें तो स्टिग्मा आर यूजुअली स्मॉल एंड कम्पैक्ट एंड डू नॉट प्रोट्रूड आउट ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा स्मॉल होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं और फ्लावर से बाहर निकले हुए नहीं होते, ठीक है, फ्लावर के अंदर होते हैं, डीप इनसाइड द फ्लावर होते हैं। इंसेक्ट अंदर जाकर वहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करते हैं। और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में जो स्टिग्मास हैं वो लार्ज होते हैं, फीदरी होते हैं एंड यूजली प्रोट्रूड आउट ऑफ द फ्लावर टू प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस एरिया टू ट्रैप पोलन। ये हमने पीछे जो लास्ट लेक्चर में देखा था ये वाला, यहाँ पर देखें स्टिग्मास हैं वो काफ़ी बाहर हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अभी ये देखें कि स्टिग्मास हैं वो फीदरी हैं और ये फ्लावर से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ताकि ईजिली पोलन को ये क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। स्टेमन के बारे में अगर हम देखें तो स्टेमन भी वैसे ही जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं, स्टेमन्स हैव लॉन्ग पेंडुलस फिलामेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पेंडुलम लाइक फिलामेंट होते हैं जो हवा में हिल रहे होते हैं, प्रोट्रूडिंग एंथर्स जिनके एंथर्स है वो बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, ताकि उन हवा की मदद से उनके पोलन ग्रेन्स ईजिली डिस्पर्स हो जाएँ। पोलन ग्रेन्स आर हैंस ईजिली शेकन आउट ऑफ द फ्रॉम द एंथर्स। तो ईजिली जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से शेक होकर हवा के जरिए ट्रैवल कर जाते हैं, जबकि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में स्टेमन्स है वो पेंडुलस नहीं होते, बाहर से मूव नहीं कर रहे होते एंड यूजली डू नॉट प्रोट्रूड आउट ऑफ द फ्लावर। पोलन्स के बारे में देखें तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर पोलन्स इज फेयरली अबंडेंट, काफ़ी होते हैं पोलन्स। पोलन ग्रेन्स आर यूजली लार्जर एंड विद रफ सर्फेसिस। ये जो रफ सर्फेसिस हैं ये इंसेक्ट की बॉडी के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, ताकि ईजिली पोलन्स है वो डिस्पर्स हो जाए, जबकि हवा से अगर पोलन ने मूव करना है, पोलिनेशन होनी है, तो पोलन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हवा के ज़रिए कुछ पोलन जो है स्टिग्मा तक पहुँचेंगे और बहुत से पोलन जो है स्टिग्मा तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो इनका नंबर अच्छा खासा ज़्यादा होता है। पोलन ग्रेन जो हैं वो स्मूथ होते हैं, ताकि हवा उन्हें आसानी से जो है वो मूव करवा सके। स्मॉल होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि हवा जो है वो हल्की सी हवा भी उनको ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट दे आर ईजिली ब्लोन अबाउट बाई द विंड। फर्दर हम देखें नेक्टर गाइड्स कर, हमने देखा था कि जो ये फ्लावर्स हैं जी, लास्ट लेक्चर में हमने ये फ्लावर देखा था, ठीक है, क्लिटोरियम, ठीक है, इसके ऊपर हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड पेटल है इसके ऊपर ये लाइंस हैं, ये लाइंस इंसेक्ट को गाइड करती हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो इन लाइंस को हम कह रहे थे नेक्टर गाइड। तो डेफिनेटली जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होगा उसके अंदर नेक्टर गाइड्स होंगी, और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर है उसके अंदर नेक्टर गाइड्स प्रेजेंट नहीं होती। तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर नो नेक्टर गाइड्स, और यहाँ पर नेक्टर गाइड्स होती हैं ताकि इंसेक्ट को जो है वो गाइड किया जा सके टूवर्ड द नेक्टर। उसके बाद हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो फर्दर जो प्रोसेसेस हैं वो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये मेच्योर पोलन ग्रेन है, इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ द पोलन ट्यूब न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज़ द जनरेटिव न्यूक्लियस। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर अटैच होता है, तो स्टिग्मा हमने पीछे पढ़ा था शुगरी जो स्क्रीशन है वो स्क्रीट करता है,
इस शुगड़ी एक्सक्रीशन की वजह से पोलन ग्रेन के अंदर से एक ट्यूब निकलना शुरू होती है, पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, और जर्मिनेट कर जब करता है तो इसके अंदर से एक ट्यूब निकलती है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करता है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, के पोलन ट्यूब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज इंक्रीज करना, उसको गाइड करना कि किस तरफ को मूव करना है, तो गाइडेंस सारी आती है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस से, और जिसकी वजह से पोलन ट्यूब से वो लगातार लंबी होती जाती है, और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस भी इस ट्यूब में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे ये ट्यूब जो है वो लॉन्ग होती है तो ये ओवरी तक जाती है, और ओवरी के नीचे एक छोटा सा सुराख होता है, दैट एरिया इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ओवम के अंदर एंटर होती है, ठीक है, जो ओवरी है उसके अंदर एंटर होती है। तो स्टिग्मा ये ऊपर वाला एरिया, उसके बाद स्टाइल, यहाँ से ओवरी, जैसे ही ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब जाती है तो माइक्रोपाइल के जरिए जो है ये ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है, ओवरी से ओव्यूल में एंटर हो गई। अब एंटर कैसे होगी कि जैसे ही माइक्रोपाइल से ये पोलन ट्यूब ओव्यूल को टच करती है तो यहाँ पर ये पानी को अब्जॉर्ब करती है, जो साइटोप्लाज्म होता है ओव्यूल का उस सेक्रीशन को अब्जॉर्ब करती है, और उसकी वजह से ये ट्यूब आगे से फट जाती है, ठीक है, रप्चर हो जाती है। इसके रप्चर होने की वजह से जो इसमें गेमीट्स जो न्यूक्लियस आ रहे हैं वो फर्दर मूव कर जाते हैं इनसाइड द ओव्यूल। एक और चेंज यहाँ पर आता है कि ये जो दो न्यूक्लियस थे, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं जल्दी, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके दो मेल गेमीट्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ट्यूब जब कंप्लीट होती है तो साथ ही कुछ जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये आस्ता आस्ता डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके दो मेल गेमीट्स बना देते हैं। इसमें से एक मेल गेमीट जो है वो एग के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और दूसरा मेल गेमीट जो है वो एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो ओवम के अंदर है, ओव्यूल के अंदर है, जो उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस जो है वो इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा एक मेल गेमीट, और दूसरा मेल गेमीट जो है वो एग के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इसके नतीजे में जो है वो एम्ब्रियो बनेगा, जो मेल गेमीट ओवम एग के साथ मिल रहा है उसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है, और जो मेल गेमीट डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है इसके नतीजे में बनती है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एंडोस्पर्म एक्चुअली क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है ये न्यूक्लियस ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिवाइड होता है और आगे बना देता है फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज जो है उसको हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और फूड जो है वो फिर एग यूज़ करता है ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट। एम्ब्रियो जैसे जैसे डिवेलप होता है तो वो इस फूड को यूज़ करता है ताकि उसकी ग्रोथ जो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डिवेलप इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो सीड में डिवेलप हो जाता है, एंड द ओवरी इनटू द फ्रूट। तो ये जो पूरा ओव्यूल है, ठीक है, इससे सीड बन जाएगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो पड़ा होगा और उसकी फूड पड़ी होगी, और जो ओवरी ये बाहर वाली सारी ओवरी है ये चेंज हो जाती है इनटू द फ्रूट। फ्रूट हम खा लेते हैं, सीड को जब ज़मीन पर फेंकते हैं तो ये सीड पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, उसके नतीजे में जो अंदर एम्ब्रियो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं, और ग्रो करते करते वो खाना अपना जो है वो कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से, ठीक है। तो यूँ जो है वो कंप्लीट जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। आपने फर्दर क्या करना है, टेस्ट योरसेल्फ, और जो इसकी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको खुद कोशिश करनी है कंप्लीट करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये चैप्टर कंप्लीट है जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में देखा रिप्रोडक्शन किस तरह होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है।